हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौम्या एंड आई पोस्ट वीडियोस ऑन मेकअप, ब्यूटी, फैशन, डीआईवाई एंड लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो एक इयररिंग की वीडियो होनी चाहिए, जो कि कैजुअल इयररिंग्स है, जो हमारे सारे कैजुअल कपड़े या फिर इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ चल सकते हैं। तो ये इयररिंग आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी और ये ज़्यादा ही महंगी नहीं आती है, बहुत ही सस्ती सस्ती सारी इयररिंग्स है। मैंने कोई भी महंगी इयररिंग या फिर हैवी इयररिंग इसमें ऐड नहीं की है। और इस वीडियो में मैं जितनी भी इयररिंग्स आपको दिखाऊंगी, ये सारी आपको लोकल मार्केट में ईजिली मिल जाएंगी और आप इसको कोई भी लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। पर इस वीडियो का मोटिव ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी मार्केट तो जा नहीं सकता, सब कुछ बंद है, तो आप घर पे बैठ के अपने जो भी पुराने इयररिंग्स है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और घर पे ही फ़ोटोशूट या कोई भी वीडियो बनाने के पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो मेरी फ़र्स्ट एंड द मोस्ट फेवरेट इयररिंग है वो ये वाली इयररिंग्स हैं, आप देख सकते हैं इसको। ये बहुत ही सुंदर इयररिंग है, ये इयरिंग बहुत ही सुंदर इयरिंग है और ये मेरे को मार्केट में, मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी। मैंने कोई भी, ये जो आज वीडियो में इयरिंग्स दिखा रही हूँ, कोई भी ऑनलाइन वाली नहीं है, ये सब लोकल मार्केट से ली गई है। तो ये रही मेरी वो फर्स्ट इयरिंग, आप देख सकते हैं। आप इसको चाहे तो कोई भी लहंगे पे वेयर कर सकते हैं या फिर सूट पे, सलवार या नॉर्मल कुर्ती पे आप इसको ईजिली वेयर कर सकते हैं और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ईजिली आप इसको वेयर कर सकते हैं और इससे आपके कान भी नहीं कटेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, ओवल शेप में है नीचे से और कुछ ऊपर कुछ ऐसा है और इसके पीछे वही सेम जो हमारा होता है प्लास्टिक का वो दिया होता है, पर ये एक थोड़ा स्टिफ है, ये एकदम वैसा नहीं है कि थोड़ा सा ऐसे करने पे टूट जाए, स्टिफ है ये। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो देखिए ये मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको, कितनी अच्छी लगती है ये इयररिंग। ये बहुत ही प्यारी इयरिंग है और ये मुझे मार्केट में अराउंड 250 या 300 के अराउंड मिल गई थी और ये मेरे को सबसे प्यारी इयरिंग लगी है आज तक। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं, आप देख सकते हैं मेरे कान बिल्कुल भी लटके नहीं हैं, बहुत ही अच्छी इयरिंग है ये। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इयरिंग। तो जो मैं नेक्स्ट इयरिंग आपको दिखाने जा रही हूँ वो भी आपकी इंडियन वेयर के साथ आसानी से चली जाएगी। तो ये है वो इयरिंग, ये इयरिंग ऐसे थोड़ा राउंड शेप में है, ऊपर भी आपको ऐसे थोड़ा राउंड और नीचे लटकन टाइप मिल जाएगा और नीचे ये मोतियाँ लगी हुई हैं। ये बहुत ही प्यारा सा इयरिंग है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इयरिंग है। और ये भी अगेन बिल्कुल हैवी नहीं है और आप इसको कोई भी इंडियन वेयर के साथ आराम से पेयर कर सकते हैं, वेस्टर्न के साथ तो नहीं, इंडियन के साथ ये बहुत ही सुंदर जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है इयररिंग। बहुत ही सुंदर इयररिंग लगती है और इससे आपको अगर आप ऐसी कुछ इयररिंग पहने जो जिसमें लटकन लगा हो, फिर एक ओवल शेप हो, फिर ऊपर भी राउंड और ये मोतियाँ लगा हुआ, तो इसके साथ आपको गले में बिल्कुल भी कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये खुद ही आपके लुक को कंप्लीट कर देता है, ये एक हैवी लुक देता है आपके पूरे वेयर मतलब आउटफिट को, तो आपको गले में बिल्कुल भी कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होती इसके साथ। सो मूविंग ऑन टू अनदर इयररिंग, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से इंडियन से हटके धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में मैं आपको इंडियंस दिखा रही हूँ और धीरे धीरे फिर अब वेस्टर्न की साइड हम जाएंगे। सो मूविंग ऑन, ये है हमारी अगली इयररिंग, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है, ये उल्टा वाला बार बार मेरी, कितनी प्यारी इयररिंग है, तो आप देख सकते हैं, तो ये मैंने पहन लिया, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर इयररिंग लगती है ये। बिल्कुल भी हैवी नहीं है, अगर कोई इयररिंग लवर है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है, नॉर्मल डेली वेयर में आप पहन सकते हैं, कान बिल्कुल नहीं लटक रहे हैं। ये कुछ ऐसी इयररिंग मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपके पास होने चाहिए, जो कि आप नॉर्मली घर में रख सकते हैं और आजकल तो लॉकडाउन में कोई नई इयररिंग खरीद नहीं सकती, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई है और लेकिन मैंने इसमें अपनी हैवी वाली इंक्लूड नहीं करी है, मैं इसमें नॉर्मली जो सिंपल इयररिंग्स है वही दिखा रही हूँ आपको।
और अगर आपको मेरी हैवी ईयरिंग्स देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी। सो ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। इसमें थोड़ा ग्लास जैसा भी कुछ दिया हुआ है, ये देखिए इसके लटकन्स मेरे को बहुत सुंदर लग रही है। और अगर आप इसको किसी ब्लैक चीज़ के साथ पेयर करेंगे तो ये और ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो अब हम नेक्स्ट ईयरिंग की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लटकन वाली ईयरिंग दिखा देती हूँ और बाकी जो मेरी वो जो टॉप्स टाइप के होते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में किसी दिन दिखा दूँगी। तो आज हम लटकन वाले की बात ही करते हैं। मेरे पास इतनी ईयरिंग्स हैं कि हम सारी एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं, तो आज मैं सिर्फ आपको लटकन वाली हैवी, जो थोड़ा सा हैवी लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, नॉर्मल लुक देती है, वो वाली ईयरिंग्स दिखाती हूँ। सो अब मैं आपको सारी वेस्टर्न वाली दिखाऊंगी कि वेस्टर्न आउटफिट के साथ जो आपकी ईयरिंग जा सकती है, क्योंकि इंडियन आउटफिट के साथ तो वेस्टर्न वाली जा सकती है पर वेस्टर्न के साथ इंडियन वाली नहीं जा सकती ईयरिंग, क्योंकि इंडियन में हम ज़्यादातर हैवी ईयरिंग्स पहनते हैं और वेस्टर्न में हल्की ईयरिंग्स पहनते हैं। तो जो अब हमारी नेक्स्ट ईयरिंग है वो है ये, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ईयरिंग है ये। ये देखिए ये ईयरिंग ब्लैक, ये ईयरिंग गोल्ड और ब्लैक में है, बहुत ही प्यारा सा है। इस पर आपको ये तीन ट्राइंगल दिए हुए हैं, तीन ट्राइंगल हैं ये, ये देख सकते हैं आप, दो गोल्ड है और एक ब्लैक है। और अगेन इसके पीछे ये छोटा सा ऐसे कुछ लगाने के लिए दिया हुआ है पेच, और ऊपर से ये राउंड है। तो ये बहुत ही अच्छा ईयरिंग है और ये आपके सारे वेस्टर्न वेयर के साथ जाएगा और बहुत ही प्रिटी लगता है, ये एलिगेंट सा लुक देता है आपको। तो ये मुझे अराउंड मिला था 80 के आसपास, मुझे ईयरिंग मिली थी 80 रुपीज़ की, लोकल मार्केट से लिया था तो लोकल मार्केट में ऑब्वियसली सस्ती मिल जाती है। तो मैं अब आपको ये पहन के दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है, आप इसको कोई भी वन पीस के साथ या गाउन के साथ पेयर कर सकते हैं। अगेन ये लॉन्ग है तो आपको गले में ऐसा कुछ ऐसा पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको पहन के जा सकते हैं और ये आपके लुक को कम्प्लीट कर देगा, बहुत ही सुंदर लगता है। और स्पेशली ये वेस्टर्न वेयर पे तो बहुत ही प्रिटी लुक देता है आपको, और एक एलिगेंट सा स्लीक सा जो लुक होता है वो आपको प्रोवाइड करेगा ये। सो अब हम बात करते हैं अगले अपने वेस्टर्न ईयरिंग की, जो कि आप वेस्टर्न वेयर पे वेयर कर सकते हैं। तो जो मेरी अगली ईयरिंग है वो बहुत ही सिंपल सी ईयरिंग है, वो बहुत ही सिंपल सी एलिगेंट सी ईयरिंग है और बहुत ही हल्के, बिल्कुल लाइट वेट, जितनी आपको मैंने ईयरिंग दिखाई उन सब में से सबसे लाइट वेट ईयरिंग है। ये है वो ईयरिंग, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी है ये, और ये तो एग्जैक्टली एकदम आपके वेस्टर्न वेयर के लिए जा सकती है, देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसे। तो ये मुझे मिली थी अराउंड 150, ये थोड़ा सा कॉस्टली आपको ज़रूर लगेगा लेकिन इसकी क्वालिटी की बात करें और इसकी वेट की बात करें, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें ये जितनी लटकन वगैरह लगी हुई है उस हिसाब से बिल्कुल हैवी नहीं, आपको फील ही नहीं होगा कि आपके आपने कुछ पहन रखा है कान में, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये तो स्पेशली वेस्टर्न वेयर के लिए बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत सुंदर लगता है। और बिल्कुल भी जिन जिन लोगों को आदत है कि कान में वो कुछ पहने, मतलब कुछ लोग होते हैं कि हैवी नहीं पहन पाते, तो उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही चेन वाली ईयरिंग्स ले सकते हैं। देखिए इसमें चेन लगी हुई है दो, और ये तीन ऐसे पत्ती टाइप्स कुछ लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर पीस है ये, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। तो जो अगली ईयरिंग है वो ये है, ये भी बहुत ही सुंदर ईयरिंग है, ये देखिए कितना अच्छा, ये भी एकदम लाइट वेट है, बहुत सुंदर लगती है ये भी, मुझे अराउंड 100 की मिली थी मार्केट में। ये सब लोकल मार्केट की हैं ईयरिंग्स, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये, देखिए इसका भी एकदम ट्रायंगुलर फॉर्मेट है, थोड़ा ये डायमंड शेप में जा रहा है ऊपर से ट्रायंगल, फिर नीचे से ऐसे थोड़ा डायमंड शेप में बन गया है ये पूरा, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और अब जो हम बात करेंगे तो वो मेरे पास अभी और ईयरिंग है, पर ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा तो इसको अब यहीं तक रखते हैं। मैं आपको कुछ अपनी ईयरिंग्स वैसे ही दिखा देती हूँ। ये है कुछ मेरी ईयरिंग्स, ये भी सब लाइट वेट ईयरिंग्स हैं, ये सब वेस्टर्न पे अच्छे से जाएगा आपका। ये है कुछ ईयरिंग्स और मैं दिखाती हूँ आपको, ये है कुछ ईयरिंग, ये पूरा ट्रायंगल ट्रायंगल है और इसमें 4 ट्रायंगल्स लगे हुए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ
ये वाली इयरिंग तो मैं जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये डेफिनेटली सबके पास होगी, क्योंकि ये जब मैंने ली थी तब इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा था और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकती थी। तो इसके मेरे पास दो कलर रेंज हैं, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, एक मिनट फंस गया। तो इसके जो दो कलर रेंज है मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए एक ये तो सबके पास होता है, जिसे देखो उसके पास ये इजीली मिल जाएगा। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, 50 रुपये का मुझे मिला था। ये एक हो गया, और इसी की तरह मेरे पास एक और है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये मल्टी कलर में है, ये आपकी कोई भी ड्रेस के साथ जा सकता है, बहुत सुंदर लगता है। इसको मैंने अभी एक भी बार नहीं पहना है, बस ला के रख दिया है। ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, पर मैं इतना ज़्यादा इयरिंग चेंज नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं पहनती हूँ, तो मेरी सारी इयरिंग्स रखी रह जाती है। जब कोई फंक्शन या पार्टी होती है मैं तभी चेंज करती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा मैं ज़्यादातर इयरिंग्स नहीं चेंज करती हूँ। ये देखिए, तो ये सेम पैटर्न के दो इयरिंग्स हैं मेरे पास, कलर अलग है। ये मल्टी कलर है, ये सिल्वर में है। एक टाइम था जब ये वाली इयरिंग्स बहुत ही ज़्यादा चलती थी, बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलती थी, और ये बहुत ही ज़्यादा कूल भी लगती थी उस टाइम। जिसके पास होती थी उसको लगता था कि हाँ ये वाली इयरिंग्स मुझे भी लेनी, मुझे भी लेनी है, ऐसा था। एंड सो मेरे पास अभी तो और बहुत सारी इयरिंग पड़ी हैं, पर मैं अगर आपको ये दिखाती रह जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पर अगर आपको मेरी हैवी वाली इयरिंग्स देखनी है, जो हैवी इयरिंग्स जो हम इंडियन वेयर के साथ शादी वगैरह में पहन सकते हैं, अगर आपको वो देखनी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो आपकी बनाऊँगी, आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।